बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। इससे रिलेटेड है रिफ्लेक्स एक्शन। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में फर्क लिखें। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क में डिफरेंस लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन जो है, देखो नाम से जाहिर हो रहा है एक्शन, कोई काम करेंगे ना हम, कोई भी ये मैं जो हरकतें कर रहा हूँ खड़ा, कोई करतब दिखा रहा हूँ आपको, ये एक्शन ही कर रहा हूँ ना, ऐसा ही है। अच्छा, फिर है हमारे पास रिफ्लेक्स आर। आर का मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं क्या होते हैं यार, कट किसे कहते हैं, कट करना, ऐसे ही कॉस लगाना है, ये आर्क हो गई, आर्क ही कहते हैं ना इसको। ठीक है, ठीक है, अच्छा चले। ये ऐसे गोल सा आप निशान बनाते हो, इसी में कहते हैं ना आर्क। अब हमने कहा कि जब भी सीएनएस के पास मैसेज जाएगा, जब भी सीएनएस के पास मैसेज जाएगा तो वापस जवाब भी आएगा, वापस जवाब भी आएगा। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा कि सबसे पहले कौन मैसेज लेता है, रिसेप्टर, रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर से। कोऑर्डिनेटर जो है ना, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो जब मैसेज भेजेगा किसको, वो कहेगा टू टाइप्स ऑफ द रिस्पॉन्सेज आर प्रोड्यूस, मे बी द वॉलंट्री, मे बी द इनवॉलंट्री। वॉलंट्री रिस्पॉन्स भी हो सकता है, इनवॉलंट्री भी हो सकता है, वॉलंट्री भी और इनवॉलंट्री। जो सोच समझ के किया जाए, सोच समझ के जाए। वो क्या होता है, सोचने की सलाहियत स्पाइनल कॉर्ड के पास है या ब्रेन के पास है, ब्रेन के पास है। इसका मतलब वॉलंट्री एक्शन की कहानी खत्म, बात किसकी रह गई, कहता है कि जो इनवॉलंट्री एक्शन है, जो क्या है, वो हमारे पास या तो कौन कंट्रोल करेगा, या कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, कोऑर्डिनेटर, दोनों क्या है। अच्छा, ये बात समझाई उसने हमें कि जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड, बट सम टाइम कभी कभार द इनवॉलंटरी एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय द सीएनएस, क्या चीज बोली, इनवॉलंटरी जो आपको, जिसकी आपको खबर, द इनवॉलंटरी एक्शन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड, स्पेशली क्या बोला, स्पाइनल कॉर्ड, इज वेरी क्विक, इज वेरी क्विक, बहुत तेजी से जो है ना वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है, बहुत तेजी से वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है। दैट एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, दैट रिफ्लेक्ट, दैट एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। क्या बात की हमने, हमने कहा कि दो किस्म के एक्शन हैं, कितने किस्म के हैं, या तो कैसे है वॉलंट्री, या क्या है इनवॉलंट्री। ठीक है, जो वॉलंट्री है उसकी तो कहानी, बात किसकी कर रहे हैं, इनवॉलंट्री एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय सीएनएस। सीएनएस में भी स्पेशली कौन बैठे हैं, स्पाइनल कॉर्ड, कि वो एक्शन किसके जरिए परफॉर्म किया गया और कैसा एक्शन, और वो कैसा भी हो, क्विक हो, बहुत जल्द हो, बहुत क्या हो, जल्द एक्शन परफॉर्म किया हो हमने, दैट एक्शन इज कॉल्ड। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, हम कहते हैं द एक्शन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सीएनएस, ये इनवॉलंटरी एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द सीएनएस इज वेरी क्विक। सम टाइम का लफ्ज भी हम साथ लिखते हैं, कभी कभार ये जो एक्शन है ये बहुत क्विक होता है, एंड दिस क्विक एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, फिर इस रिफ्लेक्स एक्शन में कौन सी चीज एज अ कोऑर्डिनेटर काम करती है, स्पाइनल कॉर्ड, कौन सी चीज काम करती है, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये नहीं है, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे ऐसा है कि कोई बहुत सी इमरजेंसी वाली बात सोचें, आग है, चलो तो बंदा ही चलाता है, बुझ जाएगा बेचारा। कोई जनरल एग्जांपल लेते हैं हम, बंदा बैठे बैठे किसी को डरा देता है, चले ठीक है, और करंट की जो भी चीजें हैं, मिसाल मैं आप उस तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा, मैं आपको एक फिजिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे एक ऑफिस है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, आपका ना उस ऑफिसर से काम है,
आपको उस ऑफिसर से, वो जो ऑफिसर है ना वो ब्रेन है, वो जो ऑफिसर है वो कौन है, ब्रेन है। अब उस ऑफिसर के बाहर एक, वो दरवाजे के बाहर एक उसका गार्ड खड़ा होता है, चौकीदार खड़ा होता है, या जो उसका ऑफिस बॉय है वो खड़ा होता है, असिस्टेंट खड़ा होता है, चले असिस्टेंट, अच्छा लगता है, असिस्टेंट खड़ा होता है, वो उसका स्पाइनल कॉर्ड है, वो उसका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। आप एक बड़े हाई फाई बंदे नहीं, और वो ऑफिसर जो है ना वो बड़ा हाई रैंक का बंदा है, ठीक है, आप डायरेक्ट मिल सकते हो प्राइम मिनिस्टर से, नहीं मिल सकते, चलो आपको बाहर वाला लेटर खा देगा, आपको आप अपनी क्वेरी, आप अपना क्वेश्चन, आप कोई चीज़ उसके पास लेके जाओगे तो वो आपको बाहर से ही काम करके बता दे, हो सकता है वो बाद में अंदर जाके बता दे, अंदर जाके बता दे कि मैं ये बाहर काम कर रहा हूँ, ऐसे कोई क्वेरी आई थी, कोई क्वेश्चन आया था, कोई फलामंद आया था और मैंने उसका जवाब दे दिया, क्लियर। और किसको बता दे वो अंदर, ब्रेन। इसी तरह से हमारी बॉडी से कोई मैसेज आया और बहुत एमरजेंसी थी, हमें हमें क्या थी, बहुत एमरजेंसी थी, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ने कहा कि अगर मैं चला गया किसको बताने, तो ये एमरजेंसी में ये ना हो कि ये जरूरी नहीं चलना, आपकी बुक में एग्जांपल है जलने वाली, कोई भी रिफ्लेक्स हो सकती है, वो हो सकता है वो एमरजेंसी सिचुएशन है, तो बॉडी को नुकसान हो सकता है, बॉडी को, तो बजाय इसके कि वो अपनी सारी एनर्जी लगा के किसको बताए, वो फौरन से पहले उस क्वेरी का, उस क्वेश्चन का, उस जो भी हमारे पास स्टिमुलस आया है उसका रिस्पांस जनरेट करेगा, उसका क्या जनरेट करेगा, रिस्पांस जनरेट करेगा, और जैसे जैसे रिस्पांस प्रोड्यूस होगा साथ साथ वो किसको भी बताएगा, ब्रेन को बताएगा, किसको बताएगा, ब्रेन को बताएगा, ये नहीं कि ब्रेन से छुपाएगा वो बात, नहीं, ब्रेन को बता देगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा, कितना, 10 मिनट 15 मिनट नहीं, फौरन सेकंड्स भी आप ज्यादा बता रहे हो बेटे, इधर आ जाओ वापस, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन हमने कहा कि इनवॉलंटरी एक्शन है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सीएनएस एंड द स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी क्विक, दिस एक्शन इज कॉल्ड एंड द पाथवे, एंड द वो रास्ता, वो दैट इज फॉलोड बाय, फॉलोड बाय मीन जिसे कौन गुजरा, फॉलोड बाय नर्व इंपल्स, नर्व जिससे कौन गुजरी, नर्व इंपल्स, किस लिए गुजरी, टू प्रोड्यूस कौन सा एक्शन बेटे, रिफ्लेक्स एक्शन, टू प्रोड्यूस रिफ्लेक्स एक्शन, दैट पाथवे, वो रास्ता, वो क्या कहलाएगा, अब यहां हम आर जो बनाई ना उसके हवाले से कहते हैं, लेट के कार्टून बनाते हैं, यहां पे इसका हाथ लंबा कर लेते हैं, बस बहुत है, उनका हाथ रखा दे, ठीक है, इधर देखें बेटे, और ये जल रही है मोमबत्ती, बंदे से बड़ी मोमबत्ती है, ठीक है, ये जल रही है, फ्लिकरिंग फ्लेम है इसके पास, यह बेचारे को पता नहीं था, ये एकेडमी से घर गया है और खाना बहुत भूख लगी हुई थी, अम्मा जी ने कुछ चीज़ गर्म करके रखी है और वो कटोरी या जो भी चीज़ थी वो बहुत गर्म थी और आपने उसको हाथ लगाया है, आप सालन भी गिर गया, कटोरी भी छूट गई है और आपको घर वालों से सुनना भी पड़ रहा है, इधर देखें, अब इस बच्चे के हाथ पे आग लग गई, आग लग गई नहीं मतलब गर्म लगा उसको, आग नहीं लग गई हाथ पे, ठीक है, उसको हीट फील, क्योंकि हमें पता है अब हमारी स्किन में रिसेप्टर्स है, हमारी स्किन में वो रिसेप्टर्स क्या लेंगे, स्टिमुलस लेंगे, रिसेप्टर्स क्या लेंगे, हीट क्या है, स्टिमुलस, दैट इज डिटेक्टेड बाय हीट रिसेप्टर्स, हमारी स्किन में, हमारी स्किन ने उन हीट, उस हीट को क्या किया, डिटेक्ट किया, उस हीट को, यानी किसने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर ने, उसने किसको बताया, यानी किसके जरिए मैसेज भेजा उसने, सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए या नर्व्स के जरिए, ठीक है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है और ये ऊपर कौन है, ब्रेन, अब सिर्फ मैसेज किसके पास गया, और स्पाइनल कॉर्ड से वापस किसके पास आ गया, इफेक्टर के पास, ताकि क्या प्रोड्यूस किया जाए, यानी इसके ब्रेन में मैसेज गया और फौरन से वापसी किसके पास, इफेक्टर, इफेक्टर कौन होता है, मसल्स या अब इसके ग्लैंड, मुंह में पानी आए या हाथ पीछे हो जाए, हाथ पीछे हो जाए, ग्लैंड्स के पास तो नहीं मैसेज आएगा ना, अब इसके मसल्स के पास मैसेज आएगा, जैसे मसल्स के पास मैसेज आएगा तो मसल्स क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस बंदे का हाथ अब यहाँ पे हो सकता है, वो मुंह में भी उंगली डाली हुई उसने, जल गई, ठीक है,
यहाँ तक बात समझ आई है कि नहीं है? अब देखें ये जो रास्ता, अब आपकी बुक ने ना बहुत अच्छा सा हाईफाई करके बनाया है। लास्ट टाइम हमने बनाया था स्पाइनल कॉर्ड, हम यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड बना लेते हैं, ये हम बना लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन, अंदर हम बटरफ्लाई शेप जो है, ओ बटरफ्लाई बनना क्या बन रहे हो, बटरफ्लाई शेप जो है ना वो हम अंदर बना देते हैं, अंदर हम यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम एक नर्व इंपल्स लेके आते हैं बेटा, क्या लेके आते हैं? और आपने पढ़ा था जब नर्व इंपल्स नर्वस सिस्टम से दूर होती है, स्पाइनल कॉर्ड से दूर होती है, इकट्ठी आ रही होती है, उसमें मोटर भी होता है और उसमें सेंसरी भी होता है। लेट मैं कहता हूँ कि ये वाला पोर्शन जो है ना ये सेंसरी है, ब्लैक वाला सेंसरी है। चले जी, ये सेंसरी न्यूरॉन है तो ये स्प्लिट हो जाएंगे, दो रूट बनेंगे, इसकी सेल बॉडी सेल से बाहर होगी गैंग्लिया में, और ये किसको आगे जवाब देगा, किसको बताएगा? इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन आगे मैसेज देगा किसको? मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ पड़ी होती है? सीएनएस के अंदर। इसने मैसेज लिया और ये मैसेज चला गया। ये मैसेज आया किससे था? हैंड से। वापस भी किसको गया? मसल्स को, हैंड्स को। वापस किसको गया? मसल्स को गया। वापस किसको गया? मसल्स को। क्लियर? अब ये जो रास्ता था ये वाला, ये रिफ्लेक्स आर रास्ता जिसके ऊपर नर्व इंपल्स गई ताकि क्या प्रोड्यूस किया जाए, वो कहता है इस काम में कोऑर्डिनेटर कौन बना? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ने एक्शन तो करवा दिया, उस बंदे का हाथ जलने से बचा दिया, लेकिन एट द सेम टाइम स्पाइनल कॉर्ड ने नर्व इंपल्सेस भेज भी दी किसको? जब भी हाथ पीछे करते उत्तेरी, ये तो गर्म था, ये तो लग जाता है ना पता, हाथ फौरन पीछे करते ही पता चल जाता है, या ब्रेन 10 मिनट बाद होश में आता है उसको पता चलता है अच्छा ये चीज गर्म थी, नहीं फौरन पता चल जाता है। तो इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंपल्सेस भेज देता है, स्पाइनल कॉर्ड इंपल्सेस भेज देता है। वो कहता है नो मैटर हाउ क्लेवर यू आर, यहाँ पे क्लेवरनेस मैटर है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अगर एक पागल बंदे का भी हाथ आप आग पे करोगे तो वो भी फौरन से, क्योंकि उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें उसकी मेमोरी या उन चीजों की इन्वॉल्वमेंट, कि वो सोचे कि वो कि ये चीज गर्म है अच्छा मेरा हाथ जल जाएगा लिहाजा मैं पीछे कर लेता हूँ, ये चीजें उससे रिलेटेड रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क वाला जो सारे का सारा सिनेरियो है इसमें थिंकिंग शिंकिंग इन्वॉल्व, ये वॉलंटरी है इनवॉलंटरी है? इनवॉलंटरी। अगर सोचने लग गए ना आग पे हाथ रख के अच्छा चेक तो करूं गर्म है कि ठंडी है, अच्छा फिर अब हाथ पीछे करूं या ना करूं, मशवरा करने लग गए तो फिर जो है वो कहानी गोल हो जाना, फिर हाथ का जो है ना वो कबाब बन जाए। पेज नंबर देखें बेटा 40, रिफ्लेक्स एक्शन, व्हेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड्स इंपल्सेस टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स टू टाइप्स ऑफ द रिस्पॉन्सेस रिजल्ट्स, the higher center of the brain control the conscious actions or the voluntary action, हमारा दिमाग जो है वो हमारे voluntary actions को control करता है, no doubt involuntary भी कौन control करता है mostly brain, लेकिन जो ये reflex action वाला involuntary है ये किसके control में? When impulses are not passed to higher center of the brain it results in the responses which are not under conscious control, such responses are called involuntary, sometime involuntary action या response produced by CNS is very, such response is called, the pathway followed by nerve impulse to produce reflex action is called, दोनों की डेफिनेशन होगी रिफ्लेक्स एक्शन की भी और रिफ्लेक्स आर की भी। अब ये एग्जांपल है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस एक्शन इज विथड्रॉ, विथड्रॉ कहते हैं खींच लेना ऑफ द हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ अंडरलाइन कर लो हीट स्टिमुलेट्स, अब ये पूरी कहानी सुना रहा है स्टिमुलस कहां से गया, हीट स्टिमुलेट करेगी टेंपरेचर एंड पेन रिसेप्टर इन द स्किन, नर्व इंपल्सेस इज जनरेटेड, नर्व इंपल्स जनरेट होगी व्हिच इज कैरीड बाय सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएंगे टू द इंटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वो स्पाइनल कॉर्ड के किसको लेके आएंगे? इंटर न्यूरॉन्स को, फॉर द इंटर न्यूरॉन्स के लिए दिस इंपल्स पास टू द मोटर न्यूरॉन्स from the inter neurons से ये impulse किसको दी जाएगी? motor neurons को, किसको दी जाएगी? motor neurons को, which carry impulse to the muscles of the arms, और फिर आपके muscles क्या हो जाएंगे बेटा? contract, during it नहीं ये पूरी बात करने दे हमें, as a result the muscles contract, muscles को सुकड़ेंगे and withdraw the hand और आपके हाथ को खेंच लेंगे, during it इसी दौरान इसी असना में other inter neurons जो दूसरे inter neurons हैं transmit the nerve impulse up to the brain so that the person become aware of the pain and what happened, क्या हुआ पता चल जाएगा, आंखें खुल जाएंगी। It doesn't matter, कहते ये बात matter नहीं करती, how clever we are, हम कितने clever हैं, we will always pull over hand, हम हमेशा अपना हाथ खेंच लेंगे away from the flame without thinking about it, बगैर सोचे हम अपना हाथ खेंच लेंगे। अब ये पूरी डायग्राम है आपके पास, ये एक बेटे stimulus है, ये receptors थे, ये message किया, ये spinal cord में interpret हुआ और ये factor के पास क्या आ गया? Response आ गया। इस whole topic में कोई question हो तो आप comment section में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।